Cola guys. गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेरू। मैं हूँ इस समय लीमा में और इस समय मैं रुका हुआ हूँ एक मेरे काउच सर्फिंग होस्ट के घर पे और अभी बस मैं निकलने वाला हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो कि है कुस्को, जहाँ से कि नेक्स्ट आई विल बी गोइंग द आइकॉनिक एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ माचू पिचू। तो बस अब जर्नी की शुरुआत करते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ और जस्ट आपको छोटा सा एक ही व्यू दिखाना है। बहुत छोटा सा रूम है, बेसिकली एक फैमिली है जिन्होंने दे हैव अलाउड मी टू स्टे हियर। इट्स अ वेरी नाइस फैमिली एंड दे आर स्टेइंग नेक्स्ट डोर और दे अलाउड मी टू नो स्टे हियर ओवरनाइट। और ये सामने वाली बिल्डिंग जो है ये मेरे होस्ट का घर है जहाँ पे दे हैव गिवन मी दी अकोमोडेशन टू स्टे। और आइए चलिए अभी बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। ऊपर जाने के लिए यहाँ पे एक लिफ्ट है और ये इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर का लॉबी एरिया है। और ये है वो घर। इन्होंने चाबी दे दिया था मुझे। सो यहाँ पे इनका एक छोटा सा वर्क स्पेस एरिया है और अंदर की तरफ इनका एक किचन एरिया है और ये कुछ और इनके पर्सनल स्टाफ। दैट साइड दे हैव कपल ऑफ अदर रूम्स। इधर के साइड में कॉमन वॉशरूम है और ये रूम इन्होंने मुझे दिया है यहाँ पे कि मेरा सामान अभी बिखरा पड़ा हुआ है। सो लीमा में कल पूरा दिन स्पेंड करने के बाद आज मैं नेक्स्ट सिटी कुस्को के लिए निकल गया हूँ। नाउ आई एम ऑन माई वे टू द एयरपोर्ट। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, मीरा फ्लोरेस से एयरपोर्ट तक की ड्राइव ऑलमोस्ट एक घंटे की है। In comparison to yesterday, weather is perfect today and you can see the blue sky and the beach side clearly today. Left side mein Pacific Ocean dikhai de raha hai aur taxi ke back side se liya hua ye coastal view especially mera favorite hai. So Lima ke Jorge Chavez International Airport pe abhi pahunch gaye hain. Ye ek single terminal airport hai aur international aur domestic dono flights isi terminal se jati hain. ये है एयरपोर्ट के अंदर का व्यू। मुझे अभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स के काउंटर पे जाना है जिसके लिए एक सेपरेट सेक्शन है और अभी मैं अपनी बोर्डिंग का वेट कर रहा हूँ। फॉर लीमा टू कुस्को आई एम टेकिंग दिस लो कॉस्ट डायरेक्ट फ्लाइट ऑफ वीवा एयरलाइंस। सो एक घंटे 20 मिनट की कंफर्टेबल फ्लाइट के बाद मैं अभी कुस्को एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। इस एयरपोर्ट का नाम है अलेहांद्रो वेलास्को अस्तेते एयरपोर्ट और ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और नेबरिंग कंट्रीज से यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा अवेलेबल है। सो गाइस स्वागत है आपका पेरू के कुस्को एयरपोर्ट पे। ये सब तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है ये एयरपोर्ट। चलिए अभी चलते हैं, टैक्सी लेते हैं और उसके बाद फिर अपने होटल की तरफ जाता हूँ। टूरिस्टिक सिटी होने की वजह से कुस्को सिटी में ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है और शहर के एक बड़े हिस्से में डेवलपमेंट का काम चल रहा है जिससे ट्रैफिक जाम का होना एक बहुत ही आम बात है।
टैक्सी ड्राइवर्स की ड्राइविंग देख के तो पूरा इंडिया की याद आ जाती है। सो एयरपोर्ट से निकल के अभी मैं जा रहा हूँ टैक्सी में यहाँ के सिटी सेंटर एरिया में, जिसको कि कहते हैं प्लाजा दी आर्मास। सामने ये जो है ये मेरा होटल है, जिसका नाम है होटल चाविन इम्पीरियो डेल सोल। आइए चलते हैं होटल में, चेक इन करते हैं। ये एक पुराने इनका स्टाइल के आर्किटेक्चर वाला होटल है। यहाँ पे मेरे स्टे का एक्सपीरियंस काफी कंफर्टेबल और अच्छा रहा। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये है माते दे कोका, बेसिकली कोका लीव्स हैं और ये गर्म पानी है। जैसे ही आप होटल में चेक इन करते हैं आपको ये गर्म पानी और ये कोका दी माते दे कोका लीव्स देते हैं, और उसके बाद आप इसको पीने के बाद जो है थोड़ा सा आपको बहुत शरीर में गर्माहट महसूस होगी, बिकॉज ये थोड़ा सा काफ़ी ये सिटी जो है काफ़ी ऊपर है, सो बेसिकली हाइट से एक्लेमेटाइज करने के लिए दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। ये जो है आपका नेचुरल फॉर्म में लीव्स हैं और ये आपका पैकेज्ड फॉर्म में है। इसके अलावा शुगर है, अगर आपको शुगर चाहिए एक्स्ट्रा तो आप डाल सकते हैं। तो गाइस कुस्को में आपका स्वागत है। तो मैं बस अभी होटल से निकल के यहाँ का जो सिटी सेंटर एरिया है जिसका नाम है प्लाजा द आर्मास, वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि कल सुबह सुबह माचू पिचू के लिए मुझे यहाँ से बस पकड़नी है। तो काफ़ी अर्ली है और इसका प्रोविज़न यह है कि यहाँ से आपको इसका टिकट पहले कलेक्ट करना होता है। सो आई हैव टू गो टू दी पेरू रेल टिकट काउंटर, जहाँ से आई विल शो दी बुकिंग एंड वहाँ से फिर आई विल कलेक्ट दी टिकट। तो मेरे सामने है ये प्लाजा सैन पेड्रो, ये यहाँ का बहुत फेमस स्पॉट है कुस्को का। अभी इस समय शाम के 6:30 बज रहे हैं और काफ़ी रौनक है, बट मैं जब आ रहा था तो टैक्सी वाले ने एक सजेशन मुझे ये दिया कि रात के 8 बजे के बाद जो है यूजुअली अवॉइड करें यहाँ पे अकेले घूमना, क्योंकि थोड़ा सा स्नैचिंग वगैरह की जो है इंसिडेंसेस होते रहते हैं, बेसिकली थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है ये एरिया। और ये सामने एक और इम्प्रेसिव सी बिल्डिंग जो है, ये यहाँ का एक स्कूल है, कॉलेजियो दी नेशनल साइंसेस। So once you have booked the Peru Rail ticket, you'll have to come to this particular location in Cusco, जहाँ पे कि आपको टिकट को वैलिडेट कराना पड़ेगा। सो कम हेयर एंड टेक टोकन टू गेट योर टिकट वैलिडेटेड। सो ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप सिर्फ बुकिंग का रेफरेंस लेके पेरू रेल स्टेशन पे चले जाते हैं बिफोर बोर्डिंग, तो बोर्डिंग के लिए अलाउ नहीं करेंगे वो। सो यू विल हैव टू कम एंड गेट द टिकट वैलिडेटेड हियर। एंड हियर दे आर रनिंग अ वीडियो अबाउट द इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग दिस वर्ल्ड फेमस ट्रेन जर्नी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पेरू। और ये
पैलेसियो डी जस्टिसिया, पैलेस ऑफ जस्टिस। गाइस ये है कुस्को सिटी का प्लाजा डेल अरमास। सो दिस इज़ द सिटी सेंटर एरिया ऑफ कुस्को सिटी। गाइस दिस प्लेस इज रियली माइंड ब्लोइंग। बहुत ही खूबसूरत जगह है और मतलब ये तो स्टार अट्रैक्शन है इस जगह का। यहाँ पे आके यू कैन स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड लुक हाउ द इंटायर एरिया इज लिट अप। बिहाइंड मी देयर सम वेरी फैसिनेटिंग कैफेज और दिस साइड वी हैव द कैथेड्रल, इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर। आई एम सिटिंग एट इन द बालकनी एरिया ऑफ वन ऑफ द कैफेज। माय गॉड आई कांट टेल यू दिस फीलिंग इज ऑसम। आफ्टर दिस आई एंडेड माय डे एंड रिटर्न बैक टू माय होटल टू गेट सम स्लीप एज नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आई हैव टू रीच टू पेरू रेल स्टेशन टू कंटिन्यू माय मोस्ट अवेटेड जर्नी टू माचू पिचू। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। Stay connected for the next video.